हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to the exercise or chapter 3, pair of linear equation in two variables, exercise 3.6 and question number 1. हमने अभी तक substitution method, elimination method and cross multiplication method properly देख लिया है, right? तो हमें अब आ जाता है कि हम किसी भी equation को, pair of two equation of linear equation को, हम किसी भी method से, algebraic method से solve कर सकते हैं, right? अब यहाँ पे लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, रिड्यूसिबल मेथड पढ़ रहे हैं। रिड्यूस करके हम उसको सॉल्व करेंगे। अब रिड्यूस करके सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है। 1/2x plus 1/3y equals to 2। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो इसमें जो वेरिएबल्स है वो अपॉन में लिखे हुए हैं, राइट। मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है, इसका इंट्रोडक्शन आप देखिए, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको जल्दी ही समझ में आएगा ये। ओके, तो मैं फिर भी इसमें भी आपको एक बार बता देती हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2x plus 1/3y equals to 2 दिया हुआ है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऐसा कुछ वेरिएबल कंसिडर करूँ कि जो मेरे वेरिएबल्स है, अननोन वैल्यूज है, वो क्या है, वो न्यूमरेटर में रहे, ना कि डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में रह के हमें प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व करने में। ओके, तो वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में इसको बिना किए भी बताया है, बिना इसे सब्स्टिट्यूट करके, रिड्यूस करके भी करना बताया है, लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग देम लिखा है तो रिड्यूस करके करेंगे हम। तो हम क्या कंसिडर करें, लेट 1/x इक्वल्स टू कोई भी एक वेरिएबल ले लिया ए, और 1/y इक्वल्स टू बी ले लिया। ये हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो क्या है, ये 1/x इंटू 1/2 लिखा हुआ है, प्लस 1/y इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं इसे रीराइट कर लूं तो 1/x की जगह पे क्या है a, और 1/2 ऐसे ही, प्लस 1/y की जगह पे क्या है b, और 1/3 ऐसे ही इक्वल्स टू 2 हो गया ये। फिर इसे हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2। कितना हो गया, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2, 6 2 12। ये दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया है। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा नॉर्मल इक्वेशन बना है ए बी के फॉर्म पे, अदरवाइज ये काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होता है। ओके, चलो फर्स्ट इक्वेशन में भी यही रिड्यूस, सेकेंड इक्वेशन में भी यही रिड्यूस करेंगे हम। क्या दिया है, 1/3x, 1/3x को हम क्या लिखें, हम लिख लेते हैं 1/x into 1/3 plus 1/y into 1/2 equals to 13/6 लिख लिया। तो 1/x को क्या लिया a, और 1/3 का as it is, 1/y को क्या लिया b, and 1/2 का as it is equals to 13/6 clear। अब फिर से इसे LCM ले लिया हमने, 6 क्या हो गया ये 2a plus 3b equals to 13/6। तो हमें यहाँ से इक्वेशन कितना मिल जाएगा, 2a plus 3b equals to 13, this is equation number 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो एलिमिनेशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत पसंद है, इसलिए मैं एलिमिनेशन मेथड से करके बताऊंगी। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक कोएफिशिएंट को, किसी भी वेरिएबल के किसी भी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं और उससे हटाने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं अब। तो एलिमिनेट करके हम क्या करें, पहले एलिमिनेट किसको करें हम ये देखते हैं। अगर मैं इसको ए वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहूँ तो मुझे इन दोनों में जो कॉमन आता है, 3 और 2 वाले में कॉमन आता है, उसको देखना पड़ेगा क्या आता है। अगर मैं 3 के टेबल में देखूँ, 3 2 6 एंड 2 3 6, 6 बना सकती हूँ मैं इन दोनों को, है ना, 6 बना सकती हूँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा मेरे को 6 बनाने के लिए, मुझे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से। तो लिख लेते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग, आप लिख लीजिएगा, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड 2 बाय 3। ओके, इक्वेशन 1 को हम किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। तो अब रीअरेंज करके हम फिर से लिख लेते हैं, ऐसे क्या हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स ए प्लस फोर बी इक्वल्स टू 24, क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन सिक्स ए प्लस थ्री थ्री जा नाइन बी इक्वल्स टू 13, थ्री जा इज 39, क्लियर है। अब क्या करें, हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं इनके साइन से, ये प्लस है और ये भी प्लस है, अगर सेम तो कर दिया हमने कोएफिशिएंट, लेकिन प्लस प्लस है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन हमें तो एलिमिनेट करने के लिए हमने इसे सेम किया है ना, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ओके। तो जिसका जिसका साइन है नीचे वाली इक्वेशन का वो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और ये भी प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 4b माइनस 9b कितना हो जाएगा, माइनस 5b, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 15, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस 15 बाय माइनस 5, दैट इज माइनस माइनस कैंसिल, 5 1s एंड 5 3s, तो b इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, b इक्वल्स टू मिल गया 3। अभी b की वैल्यू मिली है, अब a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 1 या 2 में हम वो चीज क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किस में पुट कर लें, हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, पुट b इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, ओके। तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, कितना है, 2a प्लस 3, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास 3 इक्वल्स टू 13, ओके। 2a प्लस 9 इक्वल्स टू 13, सो 2a इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 माइनस 9 कितना मिल गया, 4, तो a कितना मिल जाएगा, 4 अपॉन 2, दैट इज 2 1 एंड 2 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब a भी मिल गया, b भी मिल गया, लेकिन हमारा इक्वेशन किस टर्म पे था, हमारा इक्वेशन x एंड y के टर्म पे था, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने a किसे कंसिडर किया था, a हमने कंसिडर किया था 1 अपॉन x को, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 2 1 अपॉन x। अगर मुझे यहां से x निकालना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू 1 अपॉन a लिख सकती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 आ जाएगी, क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, हमें b कितना आया है, आंसर 3 आया है, और b हमने किसे कंसिडर किया था, 1 अपॉन y को कंसिडर किया था, है ना, तो 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन y, तो y अगर मैं निकालूं तो y मुझे कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन 3 मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन इजी हो गया, वैसे ही सेकेंड पार्ट भी अब देखते हैं, ओके। सेकेंड पार्ट क्या है, अब इसमें भी 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन रूट वाई को हम कंसिडरेशन कर लेते हैं, बस हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अज्यूम किसे करना है, तो लेट मैंने अज्यूम करते 1 अपॉन रूट एक्स को मैंने ए ले लिया और 1 अपॉन रूट वाई को मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, ओके। तो अब अगर मैं इसी इक्वेशन को रीराइट करूं तो 2 1 अपॉन रूट एक्स को क्या लिया, ए प्लस 3 1 अपॉन रूट एक्स को क्या ले लिया, बी इक्वल्स टू 2 हो गया। वैसे ही ये कितना आ जाएगा, 4a दिस इज माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 1, मिल गया हमें दो इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब वही करते हैं, मेरे को तो एलिमिनेशन पसंद है बॉस, तो मैं एलिमिनेशन करती हूँ। अगर मुझे कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो अब अगर चलो मैं यहाँ पे फिर से रीराइट कर लेती हूँ, दिस इक्वल्स टू 2 एंड 4a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 1। अगर मैं a को एलिमिनेट करना चाहूँ तो मुझे इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी ये 2 2 जब 4 होगा और ये 4a एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं एलिमिनेट करना चाह रही हूँ b को, तो b में क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है, माइनस 9 है, क्लियर। तो इसे भी 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 9b, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 9b, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट एडिशन से मिल जाएगा मेरे को आंसर। तो हम यही करते हैं, हम b को एलिमिनेट करके देखते हैं इस बार, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, 3 टू जा 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 3 टू जा 6, ओके। और ये 1 से मल्टीप्लीकेशन है तो 4a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 1, क्लियर है। अब अगर मैं इन दोनों को एड कर दू बाय एडिंग, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, 6a प्लस 4a कितना हो गया, 10a इक्वल्स टू, और 6 माइनस 1 कितना रहेगा, 5, तो a की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, 5 बाय 10, 5 वन जा एंड 5 टू जा, a मुझे कितनी मिल गई, 1 बाय 2 मिल गई a की वैल्यू, ओके। अब वैसे मैं a की वैल्यू को इनमें से, इन दोनों इक्वेशन में से
किसी में भी पुट कर देती हूँ. तो मैं इक्वेशन नंबर 1, 2 ले रखा था ना मैंने, तो पुट a इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ. ओके, तो 2 × 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2. ओके, 2 गेट कैंसिल, बच गया 1. 3b इक्वल्स टू 2 माइनस 1, दैट इज 1. 3b इक्वल्स टू एंड b इक्वल्स टू 1/3. तो b की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, 1/3 मिल गई. अब हमें a और b तो मिल गया, लेकिन हमने a और b कंसीडर किसे किसे किया था. a कंसीडर किया था किसे, 1/√x को. 1/√x इक्वल्स टू 1/2 लिख सकती हूँ मैं ये a की वैल्यू. ओके, इधर से ऐसे आ रहे हैं. ठीक है, अब ये रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँ, रूट हटाने के लिए मैं कर लेती हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा. रूट इंटू रूट क्या हो जाता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना मिल जाएगा, हमें x मिल जाता है. वही है, 2 बार मल्टीप्लाई किए पावर 2 हो गया, तो क्या हो गया, वही वैल्यू मिल गई. तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कितना मिल गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया x. ओके, इन द सेम मैनर y वाले को भी देखते हैं, y वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं. y कितना मिला, 1/√y इक्वल्स टू b. b कितना मिला हमें, 1/3. तो फिर से स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो 1/y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 1/9. तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, यहाँ से y मिल गया 9. हमें यही फाइंड आउट करनी होती है वैल्यू ऑफ x एंड y, जिस वेरिएबल पे हमें ओरिजिनल इक्वेशन दिया रहता है. दिस इज योर आंसर, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9. क्लियर, कम टू पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड में क्या है, 1/x, लेकिन y के वेरिएबल पे 1/ या रिड्यूस करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में है ना. तो हम y को एज इट इज रखते हैं, सिर्फ x को रिड्यूस करते हैं. 1/x को हम क्या ले लेते हैं, a. ओके, तो इस इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करूं तो क्या लिख लूंगी मैं, ये 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14. और इस इक्वेशन को क्या लिख लूंगी मैं, 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23. मिल गया हमें दो इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो अब हम क्या करें, एलिमिनेशन लगा लें. चलो एलिमिनेशन लगाते हैं. तो हम अगर कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहें तो किसका कोएफिशिएंट इक्वल कर लें, y का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं 3 और 4 का एलसीएम ले लिया था 12. तो चलो 12 बनाना है हमें y के कोएफिशिएंट को, तो हम करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3. तभी ये सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी ये हो पाएगा, है ना. तो चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 4a को मल्टीप्लाई किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से. तो 4 × 4 = 16a प्लस 12y इक्वल्स टू कितना हो रहा है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, 14 × 4 कर लीजिए. 14 × 4 होता है कितना, 56. ओके, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया. अब अगर हम वही कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन को भी हम मल्टीप्लाई बाय किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, राइट. मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, तो 3 × 3 = 9a प्लस नहीं है ये, माइनस ही है. माइनस 3 × 4 = 12y इक्वल्स टू 23 × 3 = 69. क्लियर है. अब हमें जो कैंसिल करना है उसी को हम देखते हैं. कैंसिल हमें इसे करना है 12y को, तो 12y तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम क्या किए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किए हैं. ओके, ये कितना हो जाएगा, अब हमारे पास 16 प्लस 9 कितना हो जाता है, 25a इक्वल्स टू, प्लस कर रहे हैं हम सबको, तो इसे भी हम प्लस करेंगे, 56 प्लस 69 इज बिकम 125. तो 125 अब हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, a की. a इक्वल्स टू 125 डिवाइड बाय 25, तो 25 से डिवाइड कर लो तो कितना मिल जाता है हमें, ये 25 ones and 25 fives. तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई. ठीक है, अब a की वैल्यू 5 आ गई तो पुट कर देते हैं इक्वेशन में. पुट a इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी कर सकते हैं. ओके, तो चलो 1 में ही लिख दिया, तो 1 में कर देते हैं. 4 × 5 = 4a हो गया प्लस 3y इक्वल्स टू 14. कितना हो गया, 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 14. 3y equals to 14 minus 20, it become minus 6. 3y equals to minus 6, so y equals to minus 2. Clear है? ये y और a की value आई, लेकिन हमें x की value तो मिली नहीं है. तो x की value के लिए हम क्या कर रहे थे? x क्या है हमारा? 1/x equals to कितना था? a. और a की value हमें कितनी मिली है? 5. 1/x equals to 5 लिख सकते हैं. तो x कितना हो जाएगा हमारे पास? x हो जाएगा
वन अपॉइंट फाइव, तो x की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉइंट फाइव और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस टू. क्लियर. Now we're taking the fourth part. Okay, fourth part looks dangerous, right? लेकिन बहुत इजी है ये reducible, reducing equation वाला system लाके ना इसने तो काम ही बदल दिया है. Okay, game ही खत्म कर दिया है. तो हम directly देख लें पहले दोनों में common है कि नहीं हमारा denominator. Denominator हमारा common है तो हम अब लिख लेते हैं. Consideration कर लेते हैं. Suppose कर लेते हैं. Suppose one upon x minus one equals to A consider कर लिया, okay? वैसे ही one upon y minus two equals to B consider कर लिया. अब जब हमने consider कर लिया A और B, तो हमारे लिए equation को rewrite करना तो बहुत easy हो गया. क्या लिख लेंगे first equation को first और इतना term जो है one upon this is become what A plus one, one है तो one लिखने की जरूरत नहीं है and this become what B equals to two. हो गया हमारा ये first equation. Okay, now for the second equation, 6 into 1 upon 1 x minus 1, that means 6a minus, okay, 3 into b equals to 1. This become a second equation. So, two equation ho gaye hamare. Ab two equation ho gaye, to hum ise kya karte hai? Two equation mil gaye, to bas elimination method ko hume apply kar dena hai. तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो ए को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसे 30 बनाना पड़ेगा और इसे भी 30. इसे 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और इसे 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई. इतना मेहनत ना करके हम अगर देखें कि बी को एलिमिनेट करें तो बी में क्या ये माइनस 3, हमें क्या करना पड़ेगा बी में मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा बस, है ना. तो हम कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. Okay, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 a plus 3b equals to 6 and second equation was what 6a minus 3b equals to 1. हम क्या कर लें इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें. अगर हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा a वाला टर्म बस मिल जाएगा क्योंकि b तो हमारा क्या हो गया एलिमिनेट हो गया. b एलिमिनेट हो गया तो हमें ये कितना मिल गया 21 a 15 a plus 6 a equals to 21 a and 6 plus 1 is 7. तो a हमें कितना मिल जाएगा 7 upon 21, that is 7 ones and 7 threes are. तो a हमें मिल गया 1 upon 3. Okay, 1 upon 3 मिल गया a की वैल्यू. अब a मिल गया तो b भी तो निकालना पड़ेगा. तो put हम क्या कर लें put a equals to 1 upon 3 put a equals to 1 upon 3 in इक्वेशन, कोई से भी इक्वेशन में रख लो. हमारे पास 1 2 जो भी इक्वेशन था हम रख लेते हैं 2 में. ओके 2 में रख लेते हैं. तो 6 a की वैल्यू 1 upon 3 minus 3b equals to 1, 3 ones and 3 twos are. So ये कितना मिल गया minus 3b equals to 1 minus 2 that becomes minus 1 minus 3b equals to minus 1. तो ये कितना हो जाएगा अब हमारे पास b equals to minus 1 upon minus 3 माइनस माइनस कैंसिल. तो बी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई माइन 1 अपॉन 3 आ गई. क्लियर है 1 अपॉन 3 ए की भी वैल्यू है 1 अपॉन 3 बी की भी वैल्यू है. अब हमने ए और बी कंसीडर कैसे किया था अब वो देख लेते हैं. हमने जिसे कंसीडर किया था वो ले लेते हैं 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 और ये तो एक है और y की वैल्यू के लिए 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3. ए और बी की वैल्यू 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 मिली है. अब इसे देख लो 3 equals to x minus y, 1 हो जाएगा ये और ये कितना हो जाएगा 3 equals to y minus 2. इधर से x अगर मैं लेके आऊं तो ये minus 1 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा plus 1. तो 3 plus 1 that becomes 4. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई मुझे 4 और यहाँ पे minus 2 है इधर लेके जाऊं तो कितना मिल जाएगा plus 2. तो 3 plus 2 हो जाएगा. तो y equals to मेरे को कितना मिल जाएगा 3 plus 2 equals to 5. This is our answer. X की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4 और Y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास 5. Easy. Guys, यहाँ पे ये एक पार्ट बनाया है मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन के. टोटल 8 पार्ट है 8 पार्ट है तो मैंने 4 पार्ट करके फर्स्ट वीडियो में किया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का और 4 पार्ट डालूंगी. ओके तो आप कंटिन्यू इसी मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन इजिली समझ में आते रहे. स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइस अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.